जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज BA LLB LLB BSc एग्रीकल्चर BPharma D Pharma BEd DL Ed MA MSc MCOM BA BSc BCOM BBA BCA MCA MBA MSW अफिलियेटेड टू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हाईवे से बड़ी नहर रोड पनारी ललितपुर। मामला जांच के दायरे में तो मैं किसी भी एक विशेष शब्द का प्रयोग नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हादसा हुआ और पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो मेरे तो बहुत पहले से इच्छा थी वहाँ जाने की, लेकिन कोरोना की जो स्थितियाँ थी तो उसमें मुझे एडवाइस ये दी जा रही थी, क्योंकि मैं भी जल्दी बीमार होने की स्थिति में आ जाती हूँ। तो सबने कहा तो भीड़ लग जाएगी आपको देख करके, तो लोगों को भी कुछ भी हो सकता है। और जब पूरी तैयारी कर ली है तो मैं असल में वहाँ जाना चाहती हूँ, कल इसी के लिए आई हूँ। कल मैं यहाँ से निकलूँगी 10 बजे के बाद में, वहाँ जा कर के परिवार या समाज के जो भी लोग होंगे उनके साथ बैठ करके आऊँगी। मुझे उस घटना से बहुत दुख पहुँचा। उसकी सीबीआई जांच होगी क्या? अब ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जाँच हो रही है। जिस विषय की उसका मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर मैं कमेंट करूँगी तो इसका मतलब मैं जाँच को प्रभावित कर रही हूँ, तो मैं जांच को प्रभावित नहीं कर सकती। महाराष्ट्र सरकार ने के साथ में आज जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसको आप किस नज़रिए से देखती हो? क्या मैं ऐसा मानती हूँ कि जो सुशांत सिंह का घटना, जो उनकी घटना हुई, जो हादसा हुआ, एक अच्छे कलाकार को भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने खोया। उसके लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो सब जांच के दायरे में, पूछताछ के दायरे में है। लेकिन अचानक बात पलट करके एक ऐसी स्थिति में आ गई जब ठाकरे परिवार, जो एक महान परिवार माना जाता है, बाला साहब ठाकरे बहुत महान व्यक्ति को माने गए, उनका पुत्र मुख्यमंत्री है, वह अचानक उनके द्वारा ये जो कार्रवाई हुई है ये उनकी गरिमा को गिराया, सरकार की गरिमा को तो गिराया ही, अब BMC की गरिमा को भी गिराया। क्योंकि जो रन मुंबई नगर जो कॉरपोरेशन है BMC, वो एक महान संस्था मानी जाती है। बम्बई को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, BMC ने बम्बई को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था, और BMC अपने आप में एक दुनिया है, एक विश्व है, एक वर्ल्ड है। और उनके बैठे हुए जो अधिकारी होते हैं वो सामान्य लोग नहीं माने जाते, वो लोग इस पे आ गए। अगर मान लो कंगना का घर सूची में था तो फिर पहले गिरा दिया होता। अभी का समय चुनना मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल कार्रवाई हुई है। और ये मैं ये बात मैंने अभी ललितपुर में भी कही कि इंक्रोचमेंट पे समय रहते ही कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीतिक इशारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि किसी का घर छोड़ दिया और किसी का घर तोड़ दिया। ये कार्रवाई विद्वेषपूर्ण है, अच्छी नहीं है और इसकी निंदा होनी चाहिए। अगर वो वास्तव में इंक्रोचमेंट था या बिना अनुमति के निर्माण हुए थे तो बहुत पहले वो निकाल तोड़ देने चाहिए थे। अभी तोड़ने का मतलब है कि एक राजनीतिक विद्वेष के साथ सामने वाले का मनोबल गिराने के लिए कार्रवाई की गई। और ऐसी घटनाओं से कभी मनोबल गिरता नहीं है, बल्कि सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों का ही सम्मान गिरता है, ये मैं कहूँ। टीकमगढ़ में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बहुत सारी महिलाओं की पिटाई की वीडियो वायरल हो रहे हैं, खरगापुर विधानसभा में ही आया बमोरी क्लब। इसमें जो पुलिस है, अगर महिला जाके शिकायत करती है, FIR करती है, और अगर उनकी FIR पर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरी जानकारी में आएगा तो मैं जरूर कहूँगी कि कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर कहूँगी। ठीक ठीक। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।